नमस्कार, आप देख रहे जनवा टाइम्स। इस समय मैं उत्तर भारत के श्री तीर्थ बटेश्वरनाथ में हूँ, जहाँ ये मंदिर पिछले 10 माह से बंद था, जो कि आज ट्रस्ट के अध्यक्ष राजा महेंद्र अर्धमन सिंह जी की उपस्थिति में भक्तों के लिए खोला गया है। यहाँ आने वाले भक्तों के लिए गाइडलाइन बनाई गई है, कोई भी भक्त गर्भगृह में जाकर दर्शन नहीं कर सकेगा। यहाँ मंदिर खुलते ही भक्तों का जमावड़ा शुरू हो गया है। क्या नाम है आपका? बटेश्वर के मंदिर खोले जा रहे हैं, पर खुले हैं इसके बारे में? मैं 10वां बार दर्शन कर रहा हूँ आज। पहली बार वैसे बाहर पट लगे होते थे, मैं बाहर से ही चला जाता था, आज पहली बार दर्शन कर रहा हूँ। मुझे बहुत जी, जो बाबा भोलेनाथ के 10 महीने बाद पट खुले हैं, क्या कहना चाहेंगे आपको? आज 300 दिन के करीब बाद आज भोले बाबा के जो बटेश्वरनाथ महाराज के पट खुले हैं। आज अभी तक हम लोग आते थे सोमवार वगैरह को तो बाहर पट बंद रहते थे गेट, तो वहाँ दर्शन करके चले जाते थे, पर आज 10 माह के बाद जो दर्शन भोले बाबा के पट खुले हैं, काफी आनंदमय और बहुत अच्छा लग रहा है कि भोलेनाथ के पूरे दर्शन हुए। आपका जो मंगल संक्रांति का जो पर्व है उसको पर्व है उसको देखिए, ये कोरोना के वजह से ये पट बंद हो गए थे और प्रशासन ने अनुमति दी है कि ये खोल सकते हैं, तो ट्रस्ट ने ये तय किया कि हम पल पे आज मकर संक्रांति का दिन है, शुभ दिन है, इसी दिन पट खोलेंगे, इसलिए मैं यहाँ दर्शन करने आया हूँ। और यहाँ जो उत्तर प्रदेश सरकार ने, जो आदरणीय योगी जी ने, जो पर्यटन मंत्री जी ने जो यहाँ स्वीकृतियाँ दी थी, उसका घाटों का जो काम चल रहा उसका भी निरीक्षण किया, और हमारे आर्किटेक्ट से भी बात हुई है लखनऊ में, जो इसे देख रेख कर रहे हैं श्रीवास्तव जी, और पर्यटन निर्देशालय लाए को सरकार के पास 12,40,00,000 का प्रस्ताव और भेज रहे हैं जल्दी, और उम्मीद है वो स्वीकृत हो जाएगा, तो जो शेष घाट जो रह गए हैं वो उन घाटों का भी निर्माण हो जाएगा और ट्रस्ट मुख्य मंदिर का निर्माण जीर्णोद्धार ट्रस्ट के द्वारा किया जाएगा, और आसपास का जो मंदिर का क्षेत्र जो ट्रस्ट के अधीन है उसमें भी सौंदर्यीकरण किया जाएगा। देखिए, जो प्रशासन समय समय पर जो गाइडलाइन देते हैं वो यहाँ के पुजारी और प्रशासन को दिए गए हैं कि वो पुजारी और प्रशासन मिलकर इसकी व्यवस्था की है कि ज्यादा लोग इकट्ठे ना हो, सटे नहीं, जैसा ही मास्क पहने, अंदर तो शायद ऐसी व्यवस्था नहीं है, बाहर से ही दर्शन करने के लोग जा रहे हैं, अंदर ज्यादा एक दूसरे के नजदीक नहीं आने देगा, सोशल डिस्टेंसिंग का पूरा पालन किया जा रहा है। जनवाद टाइम्स की सभी खबरों को लगातार देखने के लिए चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर करें। धन्यवाद।